बताइए बताइए फिर इसके बारे में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अवार्ड, ये बहुत ही बढ़िया अवार्ड है क्योंकि यहाँ पे वुमेन पावर को एम्पावर किया जाता है। जिन लोगों से हम इंस्पायर्ड होते हैं उनके लिए ये अवार्ड होते हैं, लाइक इफ़ आई एम इंस्पायर्ड बाय माय मॉम, सो इट्स अ ब्यूटीफुल अवार्ड, इट्स एम्पावरिंग वुमेन, सो इट्स रियली गुड। एज अ वुमेन या मैन मैं नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी व्हेन आई वाज व्हाट 17 और 18 दैट टाइम, तब ऑब्वियसली लोग कोशिश करते हैं फ़ायदा उठाने की, क्योंकि आप यंग हो, आप छोटे हो, आपको समझ नहीं है इंडस्ट्री की, तो लोग कोशिश डेफिनेटली करते हैं फ़ायदा उठाने की। बट ऑलवेज माय मम वाज बिसाइड मी, मेरी मम्मी मेरे बगल में होती थी लाइक अ पिलर, सो थैंकफुली एवरीथिंग वेंट स्मूथ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी कुछ आने वाला है, फिक्शन नॉन फिक्शन मैं बताने वाली नहीं हूँ, बस आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार चाहिए। उम्मीद ऐसे ही कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वापस से कोई रियलिटी शो करूँ, क्योंकि रियलिटी शो का अलग ही मज़ा है। तो मैं भी आई एम लाइक कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, होप सम रियलिटी शो कम्स अप वेरी सून। होली का प्लान्स, एक्चुअली मैं ऑलरेडी होली सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, प्री होली खेल चुकी हूँ, क्योंकि होली में मैं रहूँगी जर्मनी में, मेरे इन लॉज मतलब होने वाले ससुर सासू माँ के साथ मैं होली खेलने वाली हूँ इस बार पहली बार। सो या आई मिस प्लेइंग इन इंडिया बट आई विल प्ले विद माई इन लॉज। होली के लिए मैं सबको कहना चाहती हूँ हैप्पी होली एवरीवन, प्ले सेफ, प्लीज़ इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करना, आँखों के अंदर कलर्स मत डाल देना, एंड प्ले सेफ, हैव अ ब्यूटीफुल कलरफुल होली, हैप्पी होली, थैंक यू।